कुम्हारी में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। केडिया डिस्लरी कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस 50 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में बस ड्राइवर सहित 14 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों में 10 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल अलग अलग अस्पतालों में भी भर्ती है। वही डिप्टी CM व गृह मंत्री विजय शर्मा मंगलवार की देर रात एम्स में भर्ती हुए घायलों का हाल जानने पहुंचे और डॉक्टरों से उनकी स्थिति की जानकारियां ली। इस दौरान डिप्टी CM ने कहा कि घायलों और उनके परिजन से बात हुई है। घायलों ने बताया कि बस की लाइट नहीं जल रही थी, इसके चलते ड्राइवर को सड़क नजर नहीं आई और बस फिसलकर खाई में जा गिरी। जांच होने के बाद बाकी बातें स्पष्ट होगी। डिप्टी CM विजय शर्मा ने ये भी कहा कि फैक्ट्री की ओर से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे, उनका बीमा था या नहीं, या इन तमाम चीजों की जाँच होगी। दोषी पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही। दुखद है जो कुछ हुआ है। केडिया डिस्लरी है, वहाँ के सारे श्रमिकगण हैं, वो निकल रहे थे वहाँ से। ऐसे स्थान बताया गया कि उसमें रास्ते के दोनों तरफ 20-20 फीट लगभग गड्ढे हैं मुरुम की खदान होने के कारण, और वहीं से बस निकल रही थी। ऐसा करते हुए उनको 10-20 सालों से वो ये कर रहे हैं, लेकिन आज बस स्लिप हो गया और नीचे गिर गई बस। कारण में एक मरीज ने यह भी बताया कि बस की लाइट नहीं जली, इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या स्थितियां हैं जांच के बाद स्पष्ट होंगी। सर, ऐसे कुछ स्टेप लिए जाएंगे, घटना का रिपोर्टेशन एकदम लिए जाएंगे, बिल्कुल लिए जाएंगे।